राजपथ पर कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां प्रस्तुत की गई। एक झांकी मेक इन इंडिया की भी थी। देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट। इस बार झांकियां निकली अलग अलग प्रदेश की, उसमें अलग ही रंग दिखाई दिए। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की झांकी किस तरह से वहाँ के आदिवासी समुदाय की संस्कृति और सभ्यता झलक यहाँ दिखाई दे रही है। फिर महाराष्ट्र की देखिए आप किस तरह से पूरा डोली जो वहाँ की जश्न है, जो वहाँ की परंपरा है, उसकी झलक आपको दिखाई देगी अलग अलग रंग। और ये है गुजरात की झांकी, सरदार पटेल की मूर्ति आगे है और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में जो गीत है वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के ऊपर है और गीत के शेर बने हुए हैं। और ये मेक इन इंडिया कैंपेन जो नरेंद्र मोदी साहब की मेक इन इंडिया कैंपेन है, ये मेक इन इंडिया का एक तरीके से जो शेर है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप देख रहे हैं तमाम बिल्डिंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की झलक इस मेक इन इंडिया कैंपेन में है। ओबामा साहब को जाहिर तौर पे ये इम्प्रेस करने की भी कोशिश और उनको केंद्र सरकार की जो स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम उसकी झलक देने की एक कोशिश है। उसके बाद ये CPWD की झांकी है, आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के फूल इसमें नजर आ रहे हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार की एक और पहल जो आयुष के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय की तरफ से ये झांकी है। आयुष मंत्रालय NDA सरकार ने नया बनाया है और उसमें किस तरह से आयुष के क्षेत्र में योग और तमाम दवाइयों को विकसित करना और बनाने की कोशिश है, सरकार का एजेंडा है, उसमें एक झांकी बनी है। इसी तरह की तरह तरह की झांकियां आपको यहाँ पे नजर आएंगी जो कि देश की एजेंडे, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता की झलक है। और जाहिर तौर पे तमाम जनता दंग, हैरान और खुशी और जोश में इन झांकियों को देख रही है। कुछ अपने कैमरे से तस्वीर ले रहे हैं, बच्चे खास तौर से तालियां बजा रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि साल में एक बार इनको ये नजारा देखने को मिलता है। और जाहिर तौर पे बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह नजर आता है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड को देखने जो लोग राजपथ तक नहीं पहुंच पाए वो लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जहां से होकर के ये परेड गुजर रही है वहां पर पहुंचे हैं और बारिश के बावजूद जुटे हुए हैं परेड को देखने के लिए। इस वक्त हम ITO के इलाके पे मौजूद हैं। सामने अगर आप देखें रोड की दूसरी तरफ ये गणतंत्र दिवस की परेड है जो राजपथ से होकर के फिलहाल ITO तक पहुंची और इसके बाद यहां से लाल किले की तरफ जाएगी। और कई लोग हैं जो राजपथ पे भले ना जा सके हो लेकिन यहाँ पे आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, अलग अलग आए हैं, झुंड में आए हैं। सबसे जानते हैं आप लोगों से, सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि इस बार की जो थीम है वो महिलाएं हैं गणतंत्र दिवस की झांकियों की परेड की। तो क्या लगता है आपको कि ये जो परेड है इसमें कितना ज्यादा आपको लगता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व और बढ़ना चाहिए, या फिर आपको इस बार की परेड कैसी लगी? इस बार की परेड भी बहुत अच्छी लगी, बारिश होने के बावजूद भी हम यहाँ पर देखने के लिए आए और हर साल आते हैं देखने और बहुत अच्छा लगा देखकर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मिंटो रोड से आए हैं। अच्छा। और यहाँ पर राजपथ आप नहीं गए? नहीं, राजपथ नहीं जा पाए, बारिश हो रही थी इस वजह से हम देखने नहीं जा पाए और छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ इसलिए यहाँ दिखाने लाए पास में। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रोहिणी सेक्टर 22 रामाविया, रोहिणी सेक्टर 22 से। हाँ जी, परेड देखने के लिए? परेड देखने भी आए हैं, शादी में भी आए, दोनों मजे ले रहे हैं। मतलब दो काम हो गए आपके, तो एक पंचों का। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग को क्या लगता है कि परेड जो आती है राजपथ भले आप नहीं पहुँच पाए हो लेकिन कितनी अलग लगती है हर बार जब ये देखते हैं? हमें तो देखिए शुरू से हमें यहाँ मिन रोड में रहते थे जब से हम परेड देखते आ रहे हैं, देखा बहुत टाइम के बाद अभी 20-30 साल के बाद मैं परेड देख रहा हूँ दोबारा बच्चों के साथ। चलिए, तो ये गणतंत्र का पर्व है जो फिलहाल दिल्ली में जमकर मनाया जा रहा है। मेरे ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गणतंत्र दिवस की परेड है जो ITO से होकर के निकल रही है और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो बारिश के बावजूद यहाँ पर आए हुए हैं, डटे हुए हैं गणतंत्र का हिस्सा बनने के लिए, इस परेड के साक्षी बनने के लिए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ रवीश पाल सिंह, ITO दिल्ली आज तक।